फ्लैश बंद करो, फ्लैश बंद करो, खाली बसा, खाली बसा जी सर, सर यहां पे, यहां पे सामने सर, थोड़ा सर, चलो सर, बोल ले क्या है हेलो नमस्कार. ऐसा था कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे कभी भी बचपन से ये रहा है, कभी चोट आती है, कभी स्टंट के वक्त या खेलते वक्त, जब मैं दिल्ली में लाल किले के वहाँ खेलता था, कुछ भी होता तो नानी हमें दूध में हल्दी, मतलब हल्दी में दूध जो भी है, जैसा भी है, वो पिला देती थी. और जब मैं स्वर्ण साथी के बारे में मैंने सुना कि ये प्रोडक्ट जो है हल्दी के बारे में है और इसके अंदर हल्दी की मिलावट है और इसके अंदर बहुत सारे और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है. दादा आप इधर आ जाओ. तो मैंने बोला इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे, मैंने ऐसा नहीं है कि मुझे ओनर ने बताया कि ये प्रोडक्ट है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना है और ख़त्म. तो और मुझे, मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे लिए ये नहीं. मैंने बकायदा करीबन ना करीबन 5-6 मीटिंग की इनके साथ, इनसे पूछा, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए और तब जाके I was satisfied with the product, what this is all about. And उसी को लेके हमने एक छोटा सा ad भी बनाया है. मैं चाहूंगा पहले वो आप ad देख लीजिए, उसके बाद हम आप और मैं बातचीत करेंगे. So can we have the ad please? Yes, sure. So actually we wanted to unveil the ad with you on stage and Mr. Girish on stage, if you will allow. Let we'll them see it na. Okay. अनवेल कैसे, मतलब खड़े रहेंगे बीच में? नहीं सर, एक रिमोट देंगे आपको. हाँ? एक रिमोट आप दबाएंगे तो. ओके तू तू कर ले यार. ओके चल ज़्यादा. एट द काउंट ऑफ थ्री लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द टीवीसी एंड हियर वी. सर अब एक बार फिर दिखा दीजिए वॉल्यूम के साथ. तो आप लोगों ने सब देखा ये, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ प्रेस वाले हैं, अगर आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ओनर जी को बुलाऊंगा. सर गिरीश जी आइए. कैन वी हैव द बॉक्स ऑन द स्टेज प्लीज, सो दैट वी कैन अनवेल द प्रोडक्ट. अगेन अनवेल प्रोडक्ट, अनवेल सर. Ladies and gentlemen, Swarn Sathi. Can we also have the packs on the stage, please? Thank you.
On stage, Mr. Vijay Prakash, Director Big Brother, Ms. Neelakshi, Head Corporate Affairs, Mr. John, MD Plant Lipids, Mr. Sriraj, Chief Scientific Officer, Mr. Hutt. A big applause to the team, ladies and gentlemen. About 2 minutes, we're going to set the stage for the press conference. In just about 2 minutes, please stay around. Akshay sir is here. He's not leaving the stage. We're just setting up the stage for the press conference, and now is the time for the friends from media to ask questions. So we're putting up some chairs, please. पहले शुरू कर लेते हैं, उसके बाद मैं इधर ही खड़ा हूँ, फिर कर लेंगे. ओके, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. अक्षय जी, क्या खड़े रह के? यस यस, अक्षय जी खड़े रह के. मिस्टर श्रीराज एंड मिस्टर गणेश कामत, यू आर आल्सो वेलकम ऑन द स्टेज टू एड्रेस द प्रेस. मिस्टर श्रीराज एंड मिस्टर कामत. Can we have some mics, please, on the dais? Yes, mics, hand mics. And some mics in the audience also, because now is the time for question answers. Akshay ji, aapke theek samne. Akshay ji, aapke theek samne, yahan. अक्षय जी, हम सारी दुनिया जानती है कि इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी जानते हैं कि आप जो है तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा, इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी दूर हैं. लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई सारे एक ऐसे एक्टर हैं, इवन कुछ एक ऐसे भी एक्टर हैं जो आपके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, वो इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं. तो आप उन्हें कहना चाहेंगे कि आप स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो सेवन करते हैं, आप ये छोड़ दें? अक्षय जी, अगर आपको मेरी आवाज़, सरकार आप इतने दूर हो, मुझे सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रहे हो? आप माइक के पास आ जाइए. हाँ जी, माइक है मेरे पास. अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी. अक्षय जी, हम सभी जानते हैं कि आप जो है गुटखा, तंबाकू, इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर है. लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफ़ी इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं. तो आप चाहेंगे, कुछ एक आपके काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज करें और आप चाहेंगे कि वो तंबाकू, बीड़ी, ये सारी चीजें छोड़ दें? हाँ जी बिल्कुल, मैं कौन नहीं चाहेगा, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, जिसके लिए भी हो, स्वर्ण साथी सबके लिए है. और मैं चाहूंगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें, और बुरी चीज नहीं है ये, बहुत अच्छी चीज है, लाभदायक चीज है. एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती है. और मैं यही चाहूँगा, बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूंगा इसके बारे में. जी जी जी. अच्छा जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप अपने दोस्तों का कि जो इन सारी चीज़ों को छोड़ दे? क्यों बेटा, तारे ताकि तेरा चैनल चल जाए. ओके अक्षय जी,
टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है, एक आखिरी सवाल, टॉयलेट एक प्रेम कथा चाइना में भी रिलीज हो रही है, उसका नाम है टॉयलेट हीरो। चाइना में काफी अच्छा बिजनेस होता है, अगर आप कुछ कहना चाहें, कितने एक्साइटेड हैं आप? उसके बारे में आप और मैं वार्तालाप बाद में करेंगे, ओके? ठीक, आओ पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जी अक्षय, जी सर, जी जी अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और ख़ासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब? तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं, सो आई होप हम इसे पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट डू इट। थैंक यू। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर हल्दी देखा, इसके अंदर हल्दी देखी, और मुझे बचपन से मालूम है, ये जरूर मालूम है कि हल्दी इज हेल्दी। और हमारे हिंदुस्तान में ये जो हल्दी चीज है, बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जो आयुर्वेदा में आती हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होती है, और हम उसको हमेशा देखते नहीं हैं, उस पर जोर नहीं करते, अलग रहते समझते हैं। बल्कि मैं कई फॉरेनर्स को जानता हूँ, कई लोगों को बाहर जानता हूँ जो कि हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में बनती हैं, जिंजर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदा में जो आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने ये नहीं है कि इन्होंने कहा मुझे और मैं मान गया, कई चीज़ें मैंने इनसे बहुत देर काफ़ी बातचीत की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ कह रहा हूँ, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने काफ़ी बातचीत की, काफ़ी सर्टिफिकेट्स देखे, काफ़ी चीज़ें देखी, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जी मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। अच्छा, इसे स्वर्ण साथी को जो नशा करते हैं उनके अलावा भी कोई लोग उसको ले सकते हैं जिससे फायदा होगा? जी बिल्कुल ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं। इट इज फॉर पॉल्यूशन आल्सो, एम आई राइट? यस यू आर राइट। वैसे मैं पढ़ रहा था कहीं हर दिन कैंसर को लेके, तंबाकू को लेके 2500 लोगों की मृत्यु हो जाती है हमारे देश के अंदर, और इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट आई होप इस चीज से, सी रिमेम्बर वन थिंग, ये कोई क्योर नहीं है, इट इज नॉट क्योरिंग यू, इट इज फाइटिंग, इट्स अ प्रिवेंशन, दैट इज इट। हेलो, ये साथी आए थे आपसे नहीं बात कर रहे हैं, मुझे बोल के गए हैं कि अक्षय जी से पूछे जा क्या इन्होंने टेस्ट किया है स्वर्ण साथी। ये आप कहां से हैं? आप क्यों इनके कान में कह रहे हैं? अच्छा बैठ। हाँ जी, मैंने बिल्कुल टेस्ट किया है, बिल्कुल टेस्ट किया है, एक बार नहीं बहुत बार टेस्ट किया इसको। हेलो जुनेजा जी, मेरा प्रश्न यहाँ पर सामने सामने सर, एकदम सामने कैमरा के साइड, एकदम स्ट्रेट 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 बोलिए बोलिए बोलिए। सर, ये प्रोडक्ट बनाने में आपको कितना वक्त लगा? इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को करीबन 3 साल लग गए। तो इसकी खासियत तो आपने बता दी है, लेकिन ये जैसे आपने बताया, अक्षय सर ने आपका ये टेस्ट किया है, सर ये अक्षय सर ने तो इसमें बहुत कुछ किया था, आपको बता देता हूँ। अक्षय सर ने के पास जब हम पहली बार गए थे तो उन्होंने हमारा नाम बदलवा दिया, हमने इनको प्रोडक्ट पसंद आ गया, और जब शाम को इनसे बात हुआ कि नाम बताया, इन्होंने कहा नाम भेजिए क्या है, तो हमने कहा पीला साथी, इसे आई विल नाउ डू दिस प्रोडक्ट। हमने 8 घंटे से कम समय में भी अपना नाम बदलकर इनको दे दिया, तब उसके बाद अक्षय सर ने इसको जो वो करा कि मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, इसके लिए मैं काम करूँगा। अक्षय सर ने इसके लिए कई सर्टिफिकेट लिए,
हर सर्टिफिकेट्स को इनकी जो टीम है उन्होंने चेक करा, और ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज नॉट क्योर, दिस इज प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन क्या है, आप सोचिए, छाता लेके चलते हैं ना बारिश होने से बचने के लिए, तो ऐसे ही जो इल हैबिट्स की जो चीज़ें हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और या और नशे की चीज़ें खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं, ये उसका छाता है, इट इज़ अ प्रिवेंशन अम्ब्रेला ऑफ दैट। इफ यू विल ईट एवरी डे वन पाउच, इट इज़ अ सेफ गार्ड। वी कैनॉट क्लेम एनी वेयर, वी आर नॉट क्लेमिंग एनी वेयर कि इससे आदमी ठीक हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि सेफ गार्ड है, ये आपको बचा लेगा। क्योंकि जो लोग गुटखा खाते हैं, हमारे एक मोटे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, लखनऊ से हैं वो, मेरे ख्याल से अरबपति आदमी होंगे, बहुत बिजनेस है उनका, और जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ मेरे को लेने आते हैं, मैं देखता हूँ उनकी गाड़ी में एक डिब्बा रखा होता है, वो खाते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ क्यों छोड़, अभी भी खा रहे थे थोड़ी देर पहले, आई मेट हिम, तो वो कहते हैं नहीं भैया मैं तो खाऊंगा, इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो खाना छोड़ देंगे, उनका मुंह गल जाएगा, वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो इट इज अ प्रिवेंशन, इट इज नॉट ए क्योर। और जिन लोगों को बाय द वे कैंसर हो चुका है और कैंसर होने के बाद वो ठीक हो गया, अगर वो इसके 5 से 6 पाउच रोज खा लें तो उनके लिए ये, उनको आगे एग्रीवेट नहीं हुआ कैंसर। और ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सर इस, आप जब खाएंगे, आदतें छुड़ाने की बात तो ये है कि इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि हो सकता है कि लोग जो पान मसाला खाते हैं वो छोड़ भी दें कि भैया हम यही खाते हैं। सर ऐसे कोशिश पूरी की है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आपके माउथ में थोड़ी देर, मुंह में आपके थोड़ी देर रहेगा भी, वो जो क्रंचिंग मंचिंग इफेक्ट होता है वो भी हमने दिया है ताकि आपके माउथ में वो थोड़ी देर रहे, जैसे जिनको आदत होती है वो कंटिन्यूस खाते हैं। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, अगर छोड़ना चाहें लोग तो बहुत अच्छा। इट इज अ मैसेज, इट इज अ प्रिवेंशन ऑफ क्योर, इसका आदत नहीं होने का, आदत नहीं होगा। अभी हमने इसके लिए क्या कहा है, अक्षय सर ने कहा एक रोज का मींस हम ज्यादा बेचना नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट कि लोग ज्यादा पैसा खर्च करें, गुटखे के 50 पैकेट खा जाते हैं, 20 पैकेट खा जाते हैं, डिब्बा खा जाते हैं, मैं वो हम वो नहीं चाहेंगे, हमें ऐसा सेल्स कंपनी का नहीं चाहिए। सर लेकिन आपने अभी बताया कि इसका टेस्ट इतना अच्छा बनाया कि वो लोग खाना पसंद करेंगे। देखिए टेस्ट, अगर टेस्ट अच्छा नहीं बनाएंगे तो आप खाना भी घर पे नहीं खाते ना, घर पे अगर आपकी वाइफ सब्जी ठीक नहीं बनाएगी तो खा लेंगे क्या आप, तो भी आप कह देंगे, जबकि वो 25 साल से आपके साथ रह रही होगी। तो टेस्ट की बात है पेशेंट के लिए, और जो ऐसे गुटखा खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो टेस्ट अच्छा होना ही चाहिए ना। सर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी मिल रहे हैं जो आप इसको क्लेम कर रहे हो, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो दावा करते हैं कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका गुटखा ठीक हो जाएगा, आप इस पे कितना जोर दोगे? हमारा ये प्रोडक्ट सिर्फ कैंसर से प्रिवेंशन के लिए है, माउथ अल्सर से प्रिवेंशन के लिए, हम जोर नहीं, हम इसको आपको लिख कर देते हैं, जो इसको खाएगा उसको कैंसर होने से बच जाएगा, पर ये नहीं कहते कि इट इज क्योर, जिसको कैंसर हो चुका है उसका क्योर हो जाएगा। इट इज, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप पहले उपाय कर लेते हैं, बारिश में जाने से पहले छाता लगा लेते हैं तो आप भीगेंगे नहीं। अच्छा थोड़ा प्रदूषण के बारे में आप बताएंगे थोड़ा? प्रदूषण सर आप शांत क्या सुन रहे हो, हमारी कंट्री में पॉल्यूशन की बात जहां तक है आप देख लीजिए, अब तो पॉल्यूशन कुछ समय से हल्का सा कहीं दिल्ली में या बॉम्बे में कुछ कम हुआ है जब से CNG चला है, अदरवाइज अगर इफ यू गो टू एनी इंटीरियर, आज की तारीख में हमारे देश में अरबों खरबों का नुकसान जो है ट्रैफिक सिस्टम की वजह से होता है, बैड ट्रैफिक सिस्टम। और गवर्नमेंट भी क्या करे, जब 125 करोड़ लोग होंगे, सड़कें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, टूट जाती हैं, बारिश होती है, तो डेफिनेटली ट्रैफिक सिस्टम में जब जाम लगेगा तो धुआं निकलेगा डेफिनेटली, तो उसका भी असर होता है हम लोगों पे। और देखिए इस देश के बहुत सारे ज़्यादा जनता गरीब है, और हम लोगों ने इसके लिए एक इसलिए कहा कि अगर कोई आदमी एक भी खा सकता है तो वो खाए, हमने कहा नहीं कि इसको आप 4 खाइए 10 खाइए, सिर्फ उन लोगों को हम कहना चाह रहे हैं जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है किसी को और वो ठीक हो चुका है आफ्टर केमोथेरेपी या कुछ है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर देम, उनके लिए एग्रीवेट नहीं होगा। एम आई राइट? इट विल प्रिवेंट फ्रॉम द रीअकरेंस, वो दोबारा से कैंसर होने के चांसेस होते हैं तो वो प्रिवेंशन मिलेगी आपको, हेल्प मिलेगा ताकि वो दोबारा से होगा नहीं उस पेशेंट।
अभी हमारे एक आई मेट समबडी, वो गुटखे का व्यापार भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो बोले कि साहब मुझे ये प्रोजेक्ट दे दीजिए और मैं बेचूंगा। मुझे ये तो रहेगा कि आज तक मैं जो हूँ गुटखा बेचता हूँ बिकॉज मुझे पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, और चीज़ें बेचता हूँ, सिगरेट बेचता हूँ, गुटखा बेचता हूँ, पर मुझे पहली बार ये लगेगा कि किसी की अच्छी के लिए कुछ चीज बेच रहा हूँ। हमने सर आपको पान की दुकानों पे भी सर्वे किया, उनसे भी बात करी, थ्री व्हीलर वाले पे भी सर्वे किया, उनसे भी बात करी, टैक्सी वाले से भी सर्वे किया, उनसे बात करी, तो इट इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर अ सोशल कॉज। सर आपको लगता नहीं कि आप एक इमोशन पैक बेच रहे हैं? इमोशनल फैक्ट कभी नहीं बेचेंगे, इमोशनल फैक्ट वहां बेचा जाता जब हम कहें आप उसको 10 रोज खाइए। इमोशनल फैक्ट ये होता कि हम इसे कहते हैं आप गुटके की तरह कहते हो, गुटके वाले पूरा 500 रुपए का डिब्बा खा जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक गुवाहाटी के स्टॉकिस्ट है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वो कहते हैं मैं 500 रुपए का रोज गुटखा खाता हूँ। इमोशनल फैक्ट की बात वहाँ होती, 15 रुपए के लिए कोई इमोशनल फैक्ट नहीं होता है। सर लेकिन ये पीड़ित को अगर आप बोलते हो ये खाने से आप अच्छा हो जाओगे तो एक इमोशन ही होगा ना सर, इमोशनल। देखिए खाने से आप क्या बताएंगे कि बुरा हो जाओगे, ये तो बता नहीं सकते। जो चीज किताबों में लिखी है और जो चीज प्रूवन है उसके लिए अच्छा ही बताएंगे ना। अक्षय सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे सर अभी जो इमोशनल पैक के बारे में जो बात हो रही है आपका क्या कहना है सर? जी मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया, जो जो लोगों को अच्छी लगे वो खाएं, आपको अच्छी लगे ना खाओ, ठीक है भैया? तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ तो है नहीं है, जिसको अच्छा लगे खा ले। और जहां तक कि इमोशनल ऐसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे लगे, मैंने उसके बारे में पता किया, छानबीन की, मुझे अच्छी लगी, मैंने किया। वरना ऐसा तो है नहीं कि मुझे एड्स की कमी है, फिल्मों की कमी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, पैसों की कमी है, भगवान ने सब कुछ दिया। तो मुझे एक बात अच्छी लगी, मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊँ, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी? इसलिए आप अक्षय कुमार हो सर। अक्षय जी फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा, आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? ब्रिज आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहां इसकी बातें होंगी, अभी फिलहाल ये चल रहा है। आप समझदार इंसान लगते हो मुझे और आप ऐसी बातें कर रहे हो, यहाँ के यहाँ क्या जरूरत है इसकी बातें करने की? अच्छा, हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बातें कर रहे हैं। ओके, फाइनल फ्यू क्वेश्चंस प्लीज एंड सम गुड वंस प्लीज, लास्ट टू क्वेश्चंस, अदरवाइज जिनोबिया इज गोइंग टू बीट मी अप। वन क्वेश्चन अक्षय जी, एक आखिरी सवाल ये कि अगर आप बता सके, हमने सुना है हमारी घड़ी पूछ, में पूछ ले तू अपने दिल की तमन्ना, मेरी घड़ी में 8:36 हो रहे हैं, हमने सुना है ये 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में, हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है, 8 बजे के करीब आप सो जाते हैं, तो इस समय आप अब तू बंद करेगा तो मैं जाऊंगा। ओके थैंक यू, थैंक यू। आई विल रिक्वेस्ट अक्षय सर टू काइंडली स्टे ऑन स्टेज। Akshay sir, kindly stay on stage. Mr. Kamath, Mr. Sriraj, you can take your seats. We'll have some very quick pictures with the dealers and distributors. Akshay sir, kindly stay on stage. Nilakshi, kindly stay on stage. Girish sir, kindly stay on stage. देखो
थैंक यू Thank you.